कहां पर एक साथ जल गई 22 दुकानें, बिहार में कहां पर हुई मर्डर से दिन की शुरुआत, और आज क्यों अलर्ट पर है अयोध्या। राष्ट्र और राज्यों की बड़ी खबरें कौन सी हैं? न्यूज टॉप 9 देश प्रदेश में आप देखें। अहमदाबाद में श्याम शिखर के पास लगी आग में एक मोबाइल कॉम्प्लेक्स समेत आसपास की 22 दुकानें जलकर खाक हो गई। आग पर काबू पाने में दमकल की 6 गाड़ियों को करीब 2 घंटे मशक्कत करनी पड़ी। बताया जाता है कि आग पास की एक चाय दुकान से भड़की थी। मुंबई के मानखुर्द इलाके के 2 गोदाम में भयंकर आग लग गई। देर रात लगी आग को बुझाने के लिए दमकल की 8 गाड़ियां घंटों लगी। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन इस हादसे में लाखों की संपत्ति जल गई। खगड़िया में कानून व्यवस्था को चुनौती देते हुए आज सुबह पूर्व पंचायत समिति सदस्य नरेश राम की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बेलदौर थाना के करीब 200 मीटर की दूरी पर बाबाजी वासा के पास उन्हें गोली मारी गई। हत्यारे फरार हैं। विरोध में लोगों ने स्थानीय सड़क को जाम कर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले हिंसक झड़प बढ़ती जा रही है। बाराबनी में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला हुआ, जिसमें 7 लोग घायल हुए। हमले को लेकर बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने ममता सरकार पर हल्ला बोला, कहा पश्चिम बंगाल में माफिया राज चल रहा है। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले हिंसक झड़प बढ़ती जा रही है। बाराबनी में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला हुआ, जिसमें 7 लोग घायल हुए। हमले को लेकर बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने ममता सरकार पर हल्ला बोला, कहा पश्चिम बंगाल में माफिया राज चल रहा है। पश्चिम बंगाल में चुनाव को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। बंगाल में भड़की हिंसा को लेकर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जादवपुर यूनिवर्सिटी के एक कार्यक्रम में कहा कि बंगाल का प्रशासन पड़ोसी देशों की सेना की तरह काम करता है। अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण के फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आज के दिन विवादित ढांचा गिराए जाने को लेकर किसी भी समुदाय को किसी भी तरह के कार्यक्रम की प्रशासन से अनुमति नहीं दी है। बावजूद इसके एहतियातन सुरक्षा कड़ी की गई है। सोशल मीडिया पर भी प्रशासन की पैनी नजर है। पीएम नरेंद्र मोदी ने संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर ट्वीट के जरिए श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि उनकी सोच से देश के करोड़ों लोगों को ताकत मिल रही है। हम उनके सपनों के साकार बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी बाबा साहब की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलकर मोदी सरकार दशकों से विकास से वंचित वर्ग के कल्याण के प्रति समर्पित भाव से कार्यरत है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी आधुनिक भारत के निर्माता के तौर पर उन्हें याद किया। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।